हमारे अगले स्पीकर जो हैं वो डॉक्टर अकील अहमद साहब हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं और हमारे पुराने रफीक़े कार हैं, और 1999 से गोए काफ़ी अरसे से दरस कुरान का एक सिलसिला चलाते हैं, कुरान से दिलचस्पी रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और नौजवानों में ख़ास तौर से उनके अंदाज से कुरान को मकबूल करने के लिए, कुरान फहमी के लिए बहुत वो कोशिश करते हैं। डॉक्टर अकील अहमद साहब से मदु करता हूँ, उन्हें गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। शुक्रिया। डॉक्टर अकील अहमद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि मौजू चल रहा था, सर ने भी, असलम परवेज साहब ने भी उसका तफसील से जिक्र किया कि, और सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने भी उसको रखा कि जो भी हमारी ईमानियात, इबादत, इस्लाम, इन तमाम चीज़ों का जो असल निचोड़ है, जो उसका मजहर है, वो दरअसल वो हमारा रवैया, हमारे बिहेवियर्स, वो हमारे अखलाकियात हैं, जिनसे कि हर चीज़ पहचानी जाती है, कि इस हर किसी के बिहेवियर से, उसके रवैये से ही पहचाना जाता है कि इसकी सोच क्या है, इसका मजहब क्या है, इसका अकीदा क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो आज मैं जो मौजू आपके सामने लेके आया हूँ, उसका उन्वान भी यही है। तौहीद और इबादत का लाजमी नतीजा अखलाकियात। और यहां मुझे यह अर्ज करना है कि हालांकि तौहीद और इबादत ये दो बुनियादी ऐसे अल्फाज हैं कि इस पर तकरीबन हर शख्स बात करता है, इस पर लिखा हुआ मवाद बहुत मौजूद है, इस पर तकरीरें बहुत हैं कि क्या तौहीद है, खुदा की जात क्या है, वहदानियत क्या है, इबादत क्या है। लेकिन दरअसल जो परेशानी पेश आती है वो यहाँ आती है कि हम खुदा के जरिए दिए गए जो नुकात हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको खुद अपने अल्फाज में पेश करने और उन्हें डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि हमें एक बार खुद जो चीज़ खुदा हमसे कहना चाहता है, तौहीद और आखिरत, रिसालत और इबादत के बारे में, अगर ये तमाम चीज़ें वो हैं जो खुदा ने हमें दी हैं अपने पैगंबर के जरिए, ये तकाजे वो हैं जो खुदा हमसे चाहता है, तो एक बार खुदा से ही पूछ लें। अब खुदा से पूछने का जरिया क्या है? वो उसका कलाम है, कलाम इलाही है। और आप ये यकीन करें कि अगर कोई भी बुनियादी से बुनियादी बात या लफ्ज़ या इस्तिलाह जो इस्लाम की है, अगर हम कुरान के पास जाके उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा हाल भी वही होगा जो जिन्नात का हुआ था। जिन्नात का क्या हाल हुआ था? सूरह जिन के अंदर पहली ही आयत है कि नबी आप कह दीजिए कि मुझे ये वही करके बताया गया है कि एक नफरुम मिनल जिन, जिन की एक जमात ने जब कुरान सुना तो उन्होंने कहा इन्ना समीना कुरान अजब, हमने एक बड़ा ही अजीब कुरान सुना। बहुत सारी आयतें कुरान में ऐसी हैं कि उसको हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ के बहुत सहूलत के साथ और बहुत आसानी से बिना गौर करे गुजर जाते हैं। उन्होंने कुरान को अजीब बताया, अजीब अजबा, इन्ना समयना कुरान अजबा, हमने बहुत अजीब कुरान सुना। अजब का मतलब होता है अरबी के अंदर अनोखा, जो उससे पहले कभी ना सुना गया, एक ऐसी बात अजीब बात कहलाती है जो उससे पहले किसी से ना सुनी गई हो। कुरान को अजीब कहा उन लोगों ने, इन्ना समीना पुराना ना चखा। और ऐसा क्यों है? ये एक आयत है कुरान पाक की, कुल लइन इस्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान, के अगर तमाम इंसान और तमाम जिन्नात मिलके ये फैसला करें और एक इज्तिमा करें, एक गैदरिंग करें, एक कॉन्फ्रेंस करें, और उसका मकसद ये हो कि इस कुरान जैसा कुछ कहना है, तो ला यादू नबी मिसली ही, उस जैसा वो कुछ ना कह सकते हैं ना ला सकते हैं। वलो काना बाज़ुम लिबाज़िन ज़हीरा, चाहे वो एक दूसरे की खूब मदद करें, दुनिया में मौजूद इंसान और दुनिया में मौजूद जितनी मखलूकात हैं, जिन और इंस, तमाम मिल के ये कोशिश कर लें कि हमें तौहीद कुरान के जरिए, कुरान के जैसी जैसी कि कुरान पेश करता है, उस दिलनशीनी के साथ, उस तासीर के साथ, कि उस तासीर की तरह हमें कोई बात करनी है अपनी, तो हम नहीं कर सकते।
तो चाहे बात तौहीद की हो, चाहे बुनियाद, चाहे इबादत की हो, चाहे इस्लाम की हो, जो बात कुरान से ना ली जाए और हम हमारे जहनों के इख्तरा हो, तो वो उसका हक अदा नहीं हो सकता और वो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। तो हमें, हमारे लिए जरूरी है कि हम हर कॉन्सेप्ट, हर वो बात, हर वो अकीदा, चाहे हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया हो, चाहे हमारे मस्जिद के मौलवी साहब ने सिखाया हो, चाहे हमारे स्कूल के उस्ताद ने सिखाया हो, हर उस अकीदे और हर उस बुनियादी इस्तलाह को हम एक बार जिंदगी में एक बार कुरान के पास लेके आए और उससे समझने की कोशिश करें कि कुरान क्या कहता है। तो तौहीद और इबादत में वापस आ जाते हैं। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इस सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 है। मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये वो कितनी मशहूर आयत है कि हम में से हर शख्स ये जानता होगा और उसके सामने या तो उसने पढ़ी होगी या सुनी होगी। इतनी मशहूर, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत क्या है, इससे पहले हमें ये भी तो जानने की जरूरत है कि इबादत किसकी, इबादत के लिए कुरान किस खुदा को पेश करता है। ये बहुत अहम नुक्ता है जो मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी, कि आप सब इस पर बड़ा बहुत ध्यान से इस बात को सुने, क्योंकि अक्सर तवज्जो यूं नहीं रहती, क्योंकि ये वो बुनियादी बातें हैं कि जो हमने बचपन से सीखी हैं, तो लगता है कि ये तो बहुत बुनियादी सी बात है, इसमें हमें पता है क्या कहा जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पता ही हो। इबादत के लिए कुरान किस खुदा को पेश करता है, ये बहुत बुनियादी सवाल है। कौन खुदा, जरा हम कुछ सेकंड्स के लिए खुद ये कोशिश करने की, ये सोचने की कोशिश करें कि अगर किसी के सामने हमें खुदा को डिफाइन करना हो कि हम किस खुदा को मानते हैं, तो जरा सोचें कि हम क्या कहेंगे उससे, कि हम किसको मानते हैं, हम किसकी पूजा करते हैं, हम किसकी इबादत करते हैं, हम किसको एक मानते हैं। तो शायद हम में से अक्सर के पास कोई लफ्ज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने खुदा को आज तक महसूस नहीं किया, जाना नहीं, उसकी मारिफत हासिल नहीं की, और हमने ये सोचा ही नहीं कि हम किसके सामने सजदा कर रहे हैं, कौन कौन खुदा। लेकिन कुरान उसको पेश करता है बहुत मजबूती के साथ, खुदा कौन। सूरह अनाम की 95 से 99 की आयत है, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, उसका खुलासा आपके सामने एक स्लाइड के अंदर पेश कर रहा हूँ। खुदा कौन है, तो कहा गया फालिकुल इस्बा, दाने और गुठली को फाड़ने वाला। कुरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुरान पाक ने अल्लाह ताला को मुतारिफ कराने के लिए उसका नाम नहीं बताया। कुरान ने खुदा का नाम नहीं रखा, ना नाम बताया, उसने उसकी सिफात और उसकी कारकर्दगी, उसकी फालियत उससे वाकिफ कराया। अल्लाह ताला कुरान कहता है कि जिस खुदा की तरफ हम तुम्हें बुलाना चाहते हैं और जिस खुदा की इबादत के लिए हम तुम्हें बुलाना चाहते हैं, उस खुदा का तारुफ यह है कि हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो दाना जब जमीन में गिरता है तो दाने से जब एक कोंपल निकलती है, उस कोंपल को निकालने वाली जो हस्ती और कुव्वत है, रात के पर्दे से सुबह को निकालने वाला, हम उस खुदा और उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो रात की तारीकी से सुबह का उजाला निकाल लाता है। हम उस खुदा की बात कर रहे हैं जो सूरज और चांद, जिसने सूरज और चांद को एक कानून के अंदर ऐसा बांधा है कि उस कानून को जानने के बाद हम बता सकते हैं कि साल के किस दिन सूरज कब निकलेगा और कब गुरूब होगा, और सूरज और चांद और जमीन या इसके अलावा जितने सैयारे हैं वो इससे जर्रा बराबर भी अलग नहीं निकल सकते। खुदा वो जिसने सितारों के जरिए सिमत और रास्ता बताने का जरिया बनाया, यानी वो सितारे जो इस जमीन से भी लाखों गुना बड़े हैं, और उन सितारों का आपस में जो फासला है वो इतना है कि रोशनी की रफ्तार से गुजरने पर भी हमें लाखों साल लग सकते हैं एक सितारे से दूसरे सितारे पहुंचने में। और आप ये तस्वुर करें कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो सीधे दाहिने हाथ के आखिरी सितारे से लेके बाएं हाथ के आखिरी सितारे तक कितने सितारे आपके दरमियान में आते हैं, और उनके दरमियान 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने पर भी आपको लाखों साल लगते हैं एक से दूसरी तरफ जाने में, और कितने सितारे आप निगाह में आ जाते हैं। तो इतनी अजीम फैली हुई कायनात को अल्लाह ने हमारी निगाह में समेट दिया, और न सिर्फ के समेट दिया बल्कि हमें इस लायक भी बनाया कि हम उसको अपने रास्ता पता करने का जरिया बना लें। हम उस खुदा की बात कर रहे हैं जिसने आसमान से पानी बरसने का निजाम बनाया है, वो वाटर साइकिल बनाया है कि कैसे पानी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं और कैसे जरा सी हीट पाने पर वो अलग होकर उड़ने लगते हैं और कैसे वो ऊपर पहुंचते हैं, और वो पहुंचने के बाद वो कंडेंस होकर बादल बन जाते हैं, और कैसे प्रेशर और टेम्परेचर की तब्दीली से वो बरसना शुरू कर देते हैं, और कैसे वो पानी बरसता है तो हमारे खेत जो सूखे पड़े थे वो लहलाने लगते हैं,
और उसमें तह बतह दाने पैदा होने लगते हैं और खजूर के गुच्छे जो झुके रहते हैं और अंगूर के बाग और जैतून के बाग और अनार के बाग, ये तमाम निजाम जो चलाने वाला है, हम उस खुदा की बात कर रहे हैं, हम उसकी इबादत की बात कर रहे हैं। नाम उसका कुछ नहीं, अल्लाह ने कहा है, कुरान ने कहा है कि अस्माउल वलिल्लाह अस्माउल हुस्ना, कि तमाम हसीन नाम उसी के हैं, किसी नाम से पुकार लो, उसका नाम नहीं है। अब कोई इश्काल कर सकता है कि अल्लाह तो उसका नाम है, अल्लाह भी उसका नाम नहीं है। कुरान कॉन्फ्रेंस जो 2019 की थी, उसमें जो मैंने बात रखी थी, उसकी शुरुआत मैंने लफ्ज़ अल्लाह से की थी, अगर तफसील जाननी हो तो उसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं दोहराऊंगा नहीं। आज का ये तमाम आयतें जहाँ ख़त्म होती हैं, इसी पिछली स्लाइड्स की जो आयतें हैं 95 से लेकर 99, तो 99 वाली आखिरी आयत में आपके सामने स्लाइड पर रखी हुई है, अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र करके क्या कहा, उनज़िरु इला समरिही इज़ा अस्मर, ये फल, ये जो भी पिछली स्लाइड के अंदर जिक्र हुआ, जैतून है, अंगूर है, अनार है, वगैरह वगैरह है, खजूर है, इन तमाम फलों, ये फल जब पेड़ पर आते हैं तो इनके आने पर, और जब पकते हैं तो इनके पकने पर जरा गहरी नजर डाल, ये नजर कहाँ डाली जाएगी, क्या क्या किसी ऐसे मदरसे में जहां पे नाजरा पढ़ाया जाता हो या किसी और जगह। अब ये हमें इंतजाम करना है, हमें सोचना है कि एक गहरी नजर डालना जो एक मुसलमान का फर्ज है, और जिसके डाले बगैर मुसलमान मुसलमान नहीं बन सकता, मोमिन मोमिन नहीं बन सकता, ना इबादत पूरी हो सकती, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं होगा इबादत हम किसके आप किसकी कर रहे हैं, तो इबादत क्या करेंगे। और उसको समझने के लिए जरूरी है कि इन तमाम चीजों पर गहरी नजर डाले जाए, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ इसकी ताबीर नहीं की जा सकती, सीधी सीधी बात है कि जब ये फल पेड़ पे आते हैं तो इनके आने पर, इनके पकने पर, इनके जो प्रोसेस है पकने का, इस पर गहरी नजर डालो, यकीनन इसमें ईमान लाने वालों के लिए खुदा तक पहुंचने की निशानी है। लिकौमी यूमिनून, ईमान लाने वालों के लिए, जो ईमान लाना चाहते हैं या जुबान से ला चुके हैं, उनके लिए खुदा को जानने का यही वाहिद जरिया। अच्छा, ये चंद आयतें जिन्होंने जो ये बताती हैं कि लफ्ज़ अल्लाह जो है कुरान ने इख्तियार नहीं किया, बल्कि वहां पहले से मौजूद था, और इन तमाम औसाफ के साथ एक खुदा को लोग जानते थे और उसको अल्लाह कहते थे। तो इस तरह उस खुदा का जिक्र करके जो जिस खुदा की जो कारकर्दगी है, जो जो कारीगरी है, वो हम हमारे जिस्म के अंदर से लेके बाहर सितारों तक फैली हुई है, अगर हम उन तमाम चीज़ों को बगौर देखें और महसूस करें, तो हमें उस खुदा के साथ एहसास हमारे वाबस्ता होंगे, और जब तक एहसास वाबस्ता ना हो तब तक उसकी इबादत नहीं की जा सकती। इबादत क्या है, हमने अब तक ये देखा कि खुदा कौन है, अब देखना इबादत क्या। इबादत बहुत वसी लफ्ज़ है, और इसकी अगर हम लुगवी तफसील करने की भी कोशिश करें तो काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन जो उसका बिल्कुल बुनियादी, बिल्कुल बीज वाले जो मायने हैं वो क्या है, इंतहाई खुजू और तजल्लुल। इबादत नाम है इंतहाई खुजू और तजल्लुल का, और जिन लोगों को रेफरेंस चाहिए वो साहिब कश्याफ ज़मख़शरी, जबान के बड़े जानने वाले हैं, उनकी तफसील में उन्होंने लिखा है कि इबादत नाम है ग़ायत दर्जे की खुजू और तजल्लुल का। अलाउद्दीन बगदादी ने लिखा है कि इबादत इंतहाई झुकाव और पस्ती का नाम है। अल्लामा इब्ने कसीर ने नकल किया है कि लिखा है कि लुगत में इबादत के माने ज़िल्लत के हैं, यानी इबादत दरअसल, यहाँ बहुत अहम बात समझने की है कि इबादत किसी अमल का नाम नहीं, मैं दोहरा रहा हूँ, ये बहुत अहम अल्फाज हैं, इबादत किसी अमल का नाम नहीं है, इबादत दरअसल एक जज्बे का नाम है, एक एहसास का नाम। इबादत नाम है इंतहाई खुजू और तजल्लुल का, यानी इबादत नाम है एक ऐसे जज्बे का, एक ऐसे एहसास का, जिस एहसास जिसमें आपको एक अजीम हस्ती, अपने से बढ़तर हस्ती का एहसास और अपने कमतर होने का एहसास, जिस किसी के अंदर भी एक खुदा के, और खुदा कौन हम देख चुके हैं पहले, उस खुदा का अजीम तर होना और बरतर होना और हमारा उसके नीचे कमतर होना, जब यह एहसास हमारे अंदर आ जाएगा तो समझ लीजिए हमारे अंदर अब्दियत आ गई। अब जब हमारे अंदर अब्दियत का एहसास आ जाएगा तो जाहिरी बात है उसका इजहार भी होगा। अगर हमें किसी के शख्स से की बात बुरी लग जाए और हमें उस पर गुस्सा आ जाए, तो जाहिरी बात है जब गुस्सा आएगा तो गुस्से का इजहार भी होगा। किसी का इजहार सिर्फ यहीं तक रह जाएगा कि उसका लाल चेहरा लाल हो जाएगा, किसी का यहाँ तक होगा कि वो उसको खरी खोटी सुना देगा, किसी का यहाँ तक होगा कि वो उसे गाली भी बक देगा। अब ये क्या चीज़ें हैं, उस एहसास के मज़ाहिर है। तो जब हम खुदा के आगे इस हद तक तजल्लुल महसूस करते हैं, अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं, पस्त महसूस करते हैं, तो उस पस्ती और उस खुजू और उस तजल्लुल का इजहार होता है, किस शक्ल में होता है,
इस शक्ल में होता है कि हम जब खुदा के तवस्सुस से इजहार करते हैं तो हो सकता है कि हम उसके सामने रुकू कर लें, उसके सामने सजदा कर लें, उसका बार बार सुभान अल्लाह कह के उसकी तारीफ शुरू कर दें शऊर के साथ समझते हुए। हो सकता है कि हम खाने काबा पहुंच जाएं तो तमाम कपड़े त्याग के हम एक कपड़े के अंदर वालेहना और बिल्कुल उसके अंदर खो के उसका तवाफ करना शुरू कर दें, ये तो खुदा के साथ हो सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हमारे अंदर उस सच्चे खुदा को हम पहचान जाएं और उस खुदा के बरतर होने और अपने कमतर होने का एहसास हमारे अंदर सच्चाई के साथ जाग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब उमरा करने जाएं और हज करने जाएं तो वहां तो रोजा अनवर के सामने खड़े होकर हमारे रोते रोते हिचकियां बन जाए, और जब हम घर वापस आए तो जब मकान बनाए तो हम अपनी ईंट जो है पड़ोसी की दीवार पर रखें, क्योंकि उस वक्त जब हम पड़ोसी की एक दीवार 4 इंच की 6 इंच की एक दीवार खा रहे होंगे तो उस वक्त यकीनन हमें यह एहसास नहीं होगा हमारे अंदर कि हमसे बढ़ता भी कोई है और उसको देख रहा है और उसने कहा है कि मैं मालिक यौमुद्दीन हूँ, बदले का दिन जरूर आने वाला है और बदले के दिन मैं मालिक होऊंगा, कोई और उस वक्त फैसला करने लायक नहीं होगा, मेरे आगे ही तुम्हें खड़े होके झुकना होगा। और जिसने दुनिया के अंदर इबादत नहीं की होगी, अब्दियत नहीं लाया होगा अपने अंदर, तो वो उस वक्त वहां झुक नहीं पाएगा। ये भी है कुरान पाक के अंदर कि जब सजदा करने के लिए कयामत में कहा जाएगा तो सजदा वो लोग नहीं कर पाएंगे जिन्होंने यहाँ पे अब्दियत अपने अंदर पैदा नहीं की, चाहे वो पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हों। अब नमाज को भी तो हमने क्या समझा है, नमाज हमारे लिए क्या चीज है, 5 औकात, 48 रकातें, 7 शराइत, 6 फराइज, 51 सुन्नतें, हमारे लिए नमाज सिर्फ यही है, हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, और ये पूरा हो जाने पे हम नमाज को मुकम्मल होने का एहसास भी हमारे अंदर आ जाता है, हालांकि अल्लाह ने हमसे ये कहा ही नहीं कि हमने तुम्हें नमाज के लिए पैदा किया, हमने तुम्हें रोजे के लिए पैदा किया, हमने तुम्हें हज ज़कात के लिए पैदा किया, हमने तुम्हें खाने काबा के तवाफ के लिए पैदा किया, अल्लाह ने हमें इन चीज़ों के लिए पैदा ही नहीं किया, अल्लाह ने हमें सिर्फ खुजू और तजल्लुल के साथ जीने के लिए पैदा किया है, पस्ती अपने आप को कमतर समझ के जीने के लिए पैदा किया है और अपने से बढ़तर सिर्फ एक हस्ती को मानने के लिए पैदा किया। और एक बड़ा अहम सवाल है जो नौजवानों के जहनों में अक्सर उठता है और मुझसे करते भी रहते हैं और मैंने सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों से सुना है कि लोग रखते हैं सामने, लेकिन बड़े डरते हुए और दबी आवाज में रखते हैं क्योंकि उससे उनको महसूस कहीं ऐसा होता है कि हम काफिर ना हो जाए। और ये सवाल बिल्कुल बरहक है कि अगर अल्लाह ताला की जात गनी है, अगर उसे किसी की जरूरत नहीं है, अगर वो बेनियाज है, तो फिर वो इतना मुसिर और इतना इसरार क्यों करता है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो? ये कभी आपने सोचा? ये तो ऐसा ही हुआ ना कि हल्दीराम की दुकान खुली हुई है और हल्दीराम ये कहे कि गली के अंदर जो हलवाई है उस हलवाई के पास क्यों गए थे, मेरे पास क्यों नहीं आए? मतलब उसे ऐसी क्या पड़ी है कि कोई इंसान जो है वो किसी और के सामने ना झुक जाए? एक तरफ तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो गनी है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है, वो हमीद है, तारीफ शुदा है, उसे किसी की तारीफ की जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया मिलकर उसके आगे सजदा कर ले तो उसकी शान बढ़ने वाली नहीं है और पूरी दुनिया उसका इनकार कर दे तो उसकी शान घटने वाली नहीं है, तो फिर वो इतना सिद्ध क्यों करता है कि मेरी बात या सिर्फ मुझे ही मानो? उसकी वजह यही है कि असल अगर आप तौहीद की जड़ तक पहुंच जाएं, अगर आप तौहीद को वाकई तौहीद की तरह अपना लें, तो उसका असर जो पड़ता है ना वो आपके नफ्स पे पड़ता है, आपकी नफ्स मर जाती है, आपका आपके अंदर खुजू तजल्लुल पैदा हो जाता है। अगर ये ना होता तो खुदा को फिक्र भी ना होती कि आप किसको पूछते हो किसको नहीं पूछते। और हमने क्या कर रखा है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए और 40 नमाजें हम मस्जिद नबी के अंदर पढ़ लें तो जन्नत हमारी पक्की हो जाती है। और अल्लाह ताला ने कहा है, बाप वालों की मिसाल दी है सूरह कलम के अंदर दी है कि एक बाप, वही तकरीबन वैसी ही मिसाल सूरह कहफ के अंदर भी है कि बाप वाले थे, कुछ लोगों के बाप थे, उस बाग में जब फल आए तो लोगों ने रात को ये आपस में तय किया कि कल सुबह जरूर हम जो है वो फल तोड़ने जाएंगे। और कुरान ने कहा, उन्होंने ये जब कसम खाई कि कसम से हम कल तोड़ने जरूर जाएंगे, तो उन्होंने वला यस्तस्नू, उन्होंने इस्तस्ना नहीं किया, मतलब उस एक्सेप्शन को का जिक्र नहीं किया। इस्तस्ना कहते हैं एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कल जरूर जाएंगे, लेकिन हाँ 1% चांस है कि अगर खुदा ने नहीं चाहा तो क्या होगा, इसे कहते हैं इस्तस्ना।
कि हम जो चाह रहे हैं, हमने जो प्लान किया है वो बिल्कुल कल होना है, लेकिन उसमें एक इस्तेसना है, उसमें एक एक्सेप्शन है कि हो सकता है खुदा ना चाहे। यानी हर वक्त जब आप मुंह से कोई बात निकाल रहे हैं उस वक्त भी आपको ये एहसास होना चाहिए एक बरतर जात मौजूद है और हम कमतर हैं। हम कितना ही फैसला कर लें कि कल हम अपने बाप के फल तोड़ेंगे, हो सकता है कि वो बरतर जात जो है वो फैसला ना करे, उसका फैसला कुछ और। खैर उन्होंने इस्तेसना नहीं किया, जब वो सुबह उठे उन्होंने आपस में आवाजें लगाई और फल तोड़ने के लिए कहा, तो रास्ते में उन्होंने एक एक शख्स ने ये बात कही, कुरान ने उसको नकल किया है कि देखो फल 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 तोड़ने जा रहे हैं हम, कहीं ऐसा ना हो आज मिस्कीन तुम्हारे पास ना आ जाए। ये तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, कंजूसी, अपने असेट्स पे खुद उसका फायदा उठाना, एंजॉय करना, और मिस्कीनों को उससे दूर रखने की कोशिश करना और खुदा से बेपरवाह हो जाना, ये तमाम जो इसी को शिर्क कहा है दरअसल। तो ना हम आप कुरान से हम नहीं समझेंगे तो ना शिर्क को समझ पाएंगे, ना इबादत को समझ पाएंगे, ना तौहीद को समझ पाएंगे, और हम सिर्फ अपनी उम्मीदों में नंबरों में रह जाएंगे। खैर तो इबादत नाम है इंतहा खुजू और तजल्लुल का। और अब आप कुरान को देखिए सूरह हश्र में 21 नंबर आयत है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू ख़ाशिया मुतसद्दिया मिन ख़शयति अल्लाह। अल्लाह कहता है कुरान हमने उतारा क्यों है ये तो अलग बात है, कुरान में जगह जगह बयान किया गया, लेकिन ये अकेली जगह है जहां बताया गया कुरान की तासीर क्या है। कुरान की तासीर ये है कि अगर हम, और इंसान से नहीं कहा, एक्सट्रीम मिसाल दिए कि अगर ये कुरान की तासीर ये है कि अगर पहाड़ पर भी नाजिल कर दिया जाता, अगर पहाड़ पर इसका नुजूल हो जाता तो तुम देखते कि उसमें अल्लाह की खशियत की वजह से आजजी आ गई और दराड़े पड़ने। तो अगर कुरान हम पे नाजिल होने लगे तो हम बिना किसी किताब पढ़े, बिना किसी 5 मिनट के मदरसे जाए, बिना किसी कोर्स किए, हम खुद ब खुद अब्दियत में शामिल हो जाएंगे और आबिद बन जाएंगे, और उसका इजहार कहीं ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं मेरे अंदर अब्दियत आ गई तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग मेरे सामने सजदा कर रहे हो खुदा को और मैं खुदा को सजदा ना करूं। तो ये कुरान भी की तासीर भी यही है खुदा। अब ये आखिरी मेरी बात है, खुदा की मारिफत और अब्दियत का असर अखलाक पे लाजिमन होता है, और कुरान ने इस बात को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये अलग अलग अंदाज में बयान किया है। ये आखिरी स्लाइड में इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह कलम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाला जो पूरा तबका था उनका कंपैरिजन किया, और आपको हैरानी होगी ये जान के कि वो कंपैरिजन न सिर्फ न इस लिहाज से किया है कि वो एक खुदा को पूछते थे और सारे खुदाओं को पूछते थे, यहाँ किया है अखलाक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझना है, अगर उनकी मुखालिफत कर रहे हो तो आओ हम तुम्हें समझा दें कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं और उनके मुखालिफिन क्या चाह रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस सूरत में कहा गया है, मा अंता बिनियामत रब्बी का मजनून, ना तो आप मजनून हैं दीवाने हैं ना, और आपका अजर हमारे यहाँ महफूज है, व इन्नका लाला खुलुकी नजीम, आपका मैसेज, आपका मिशन, आपकी पहचान और आपके दीन का निचोड़ दरअसल यह है कि आप खुद भी खुलुक अजीम पे हैं और आप एक ऐसी उम्मत खड़ी करने आए हैं जिनके अखलाक, जिनके अखलाक का डंका बच्चा है पूरी दुनिया में, और आप देखिए उनके मुखालिफिन बिलमुकाबिल जो आपके मुखालिफिन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तारुफ कराने के लिए सिर्फ इतना कहा कि खुलूक नजीम। अब आप देखिए आपको हैरानी होगी कि आपके जो मुखालिफिन थे उनके किरदार का भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, लेकिन कैसे किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बिलमुकाबिल थे, जो मुखालिफिन थे, वो दरअसल उनकी पहचान क्या थी, हल्लाफ थे, बहुत कस्में खाते थे, महीन थे। महीन होने का मतलब है कसमें वही खाता है जिस शख्स को यह एहसास होता है कि मेरी बात की कोई कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, जुबान की कोई कदर नहीं है, लोग जानते हैं कि मैं मेरी जुबान जुबान नहीं है। तो ऐसे शख्स को जब कोई बात संजीदगी से कहनी होती है तो कसम खानी पड़ती है ताकि लोग मान जाएं। तो मोहम्मद सल्लम के सामने जो लोग थे, जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, असल में वो मुशरिक और काफिर क्यों थे और उनके शिर्क और कुफर का जो असर आ रहा था उनकी शख्सियत पर वो क्या आ रहा था, हल्लाफ थे, कसमें खाते थे। और माफ कीजिएगा अगर हम में से किसी को अपनी तस्वीर इसमें नजर आने लगे तो ये मेरा मंशा नहीं है। हल्लाफ थे, कसम खाते थे, उनकी बात की जुबान की कदर नहीं थी, हम्माज थे,
यानी इंतहाई इशारेबाज थे, इशारों इशारों में किसी को भी जलील कर दिया करते थे। ये उनके अंदर बड़ा मलका था। मशाइम भी नमीम, चुगलखोर, नमीम कहते हैं चुगलखोर को, लेकिन छोटे मोटे चुगलखोर नहीं, मशाइम, दौड़ दौड़ के करने वाले, यानी बड़े माहिर थे इस काम के अंदर के 10 लोगों को अगर उनको 1,000 लोगों की कंपनी का भी मैनेजर बना दिया जाए तो वो उसको संभाल सकते थे, क्योंकि वो इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे, उन्हें मैनिपुलेशन बड़ी अच्छी करनी आती थी झूठ बोल के। मन्नाइन लिल खैर, हर खैर को रोकने वाले थे, न सिर्फ ये कि खुद लोगों की भलाई के लिए खर्च करते बल्कि दूसरों, इस कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ थे कि इंसान कमाए और दूसरों को लुटा दे। मौतदिन, ऐसे थे कि अपने हक तो पूरे लिया करते थे लेकिन दूसरों के हक भी समेट लिया करते थे। मौतदिन कहते हैं लिमिट को क्रॉस करने वाला, तो हर किसी की हद होती है, मेरे हुकूक की हद है, जब मेरे हक मेरे पास आ गए तो अब मैं दूसरों के हक पर डाका डालूंगा तो मैं मौतदिन हूँ। असीम गुनहगार, उनके यहाँ गुनाह और सही और गलत का कोई तसव्वुर नहीं था। उतुल्लिन, बेमुरव्वत थे, सख्त दिल थे, ऐसे बेरहम थे कि अगर लूटने पे आए तो अपने बाप भाई, अपने खानदान वालों को ही लूट लें, अपने पार्टनर्स को ही लूट लें। और जनीम, जनीम असल में इसका तर्जुमा वलादुज़्ज़िना कई जगह किया गया है और इसकी बुनियाद पे कुछ लोगों ने कहा कि कुरान ने भी अपने दुश्मन को गाली बकी है, हालांकि यहाँ कुरान जिस अखलाक को पेश कर रहा है ये उस अखलाक को मशरू करने वाला तर्जुमा है। कुरान किसी को वलादुज़्ज़िना नहीं कह सकता, मतलब अगर कोई वलादुज़्ज़िना हो भी, अगर कोई जिना की औलाद हो भी तो उसका उसमें कसूर क्या है, कुरान ने नहीं कहा। जनीम का मतलब ये नहीं है, जनीम का मतलब है कि ऐसा शख्स जो हो किसी और खानदान और कबीले से लेकिन किसी और खानदान और कबीले को मैं होने पे कुछ जाहिर करे, उसकी वजह भी क्या है, बर्तरी, कि मैं अपने अपने खानदान और बरादरी को जो है कमतर समझता हूँ और अपने नाम के साथ एक ऐसा लकब लगा लेता हूँ जो मुझे अपने आप को बड़ा करने का जरिया बन जाए, उसे जनीम कहते। तो आप यहाँ देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुखालिफिन में कंट्रास्ट क्या है, खुलुकिन अजीम और ढेरों बुराइयां। एक तरफ खुलुक अजीम है और एक तरफ ये तमाम अखलाकी बुराइयां हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत पढ़ें, तारीख पढ़ें और कुरान में आप सल्लम का तज़किरा पढ़ें तो आपको ये नज़र आएगा कि ना तो आप सल्लम की ज़ात जो थी वो इस तरह की थी कि आप सल्लम रिचुअलिस्टिक थे और सिर्फ इन्हीं बातों को तवज्जो देते थे कि हम सिर्फ पूरे अरकान अदा करके सजदा कर लें, हमारी उंगलियां यहाँ होनी चाहिए, हमारे अंगूठे यहाँ होने चाहिए और हमारे अंगूठे हिलने से ये हो जाएगा, ऐसे नमाज कबूल हो जाएगी और ऐसे रद्द हो जाएगी और ऐसे फासिद हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों, ये तमाम नुसुक हैं, इसको भी कुरान ने बयान करा है लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये इस पर किसी और दिन बात करेंगे। कल कुरान ने इबादत और मनासिक में फ़र्क किया है, हम असल में मनासिक को इबादत समझते हैं। तो तौहीद किस खुदा को मानना है, उसको एक क्यों मानना है, उसको महसूस कैसे करना है और उसके आगे अपने आप को कैसे झुकाना है और झुकने को इबादत कहते हैं और उसका असर हमारे अखलाक पे पड़ता है। और अगर हम आप सल्लम के रोज़े मुबारक पे जाके रो रो के आंसू बहा लें और वापस आके हमारे अंदर ये तमाम अखलाक, ये तमाम बुराइयाँ मौजूद हों तो हम न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं न और ना इबादत गुजार हैं।